घंटी यहाँ क्यों आई, कैसे आई, ये कहानी मैं आपको बताऊं। उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि इतने समय तक घंटी यहाँ क्यों नहीं आई। अब घंटी जैसे डॉग को देख के अनदेखा कर देना आसान नहीं है, पर मैं समझता हूँ हमारे जीवन में खुद इतनी उलझने होती हैं कि हमें होता है कि भाई कौन एक और मुसीबत अपने गले डाले। अब कंफ्यूज मैं तब होता हूँ जब लोग इसको ना बचाने के पीछे धर्म का हवाला देते हैं कि भाई ये तो अपने पिछले जन्म के बुरे कर्मों का कष्ट भोग रही है, हम इसमें हस्तक्षेप करने वाले कौन होते हैं। बात अगर धर्म की है तो आप ये भी तो सोच सकते हैं कि जाने कब किस रूप में भगवान हमें मिल जाएं, या भगवान ने हमें एक अच्छा कर्म करने का मौका दिया है, या ये कि शायद हमने इसके पिछले जन्म का कोई कर्ज उतारना। पर मुझे लगता है कि हम इतने सुविधावादी हो चुके हैं कि हम धर्म से भी वही चुनते हैं जिसमें हमें सुविधा होती है। अब घंटी को यहाँ लाए मन्ना जी, उनको ये चंबा में दिखी, वो इसको यहाँ इलाज के लिए ले आए, हमने इसकी सर्जरी करा दी है, जब ये ठीक हो जाएगी हम मन्नत जी के पास ही इसको रिलीज कर देंगे। अब मुझे नहीं पता कि मन्नत जी धार्मिक व्यक्ति हैं नहीं, पर मुझे यकीन है अगर मैं उनसे पूछूं कि उन्होंने घंटी की मदद क्यों की तो यही कहेंगे कि भाई अगर मैं घंटी की स्थिति में होता तो मैं भी चाहता कि कोई मेरी मदद कर दे।